हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे ही हैं। बस एज यूजुअल थके हुए हैं बहुत ज़्यादा। कल रात ओंकारेश्वर से 11:30 पर वापस आए थे और फिर वहाँ से जल्दी से आकर के नहाए सब और रेडी होकर के 1:00 हम भजन मार्केट के लिए चले गए थे, क्योंकि वहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगती है, तो वो फिर हमें नाइट से ही लगानी होती है लाइन, तो हम रात भी सो नहीं पाए हैं बिल्कुल भी। हम पूरी रात वहाँ मंदिर में ही बैठे रहे थे और दर्शन अच्छे से हुए हमारे, और आरती और श्रृंगार भी सब कुछ हमें बहुत अच्छे से देखने के लिए मिला। और अभी हम सब फिर से ब्रेकफास्ट करके घूमने के लिए जा रहे हैं। जब तक हम यहाँ हैं रुकेंगे नहीं, घूमते रहेंगे। भस्म आरती में फ़ोन बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, बिल्कुल भी, और जो लेकर के भी गए थे उनके फ़ोन सबमिट कर लिए गए थे। नेक्स्ट टाइम हम फ़ोन लेकर ही नहीं गए थे, क्योंकि हमें पहले से बता दी है बात, तो मैं वहाँ का कोई भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। और कुछ वहाँ का ट्रेडिशन भी है कि सारे ही मेल्स धोती कुर्ते पहनते हैं और फीमेल साड़ी वियर करती हैं, तो मैंने भी साड़ी ही वियर की थी। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी ब्लॉग या शूट करना है सब अलाउ नहीं था, तो मेरे पास भी कोई फ़ोटो या फिर कोई भी वीडियो वहाँ की नहीं है। और अब हम जल्दी से दर्शन करके अभी आए हैं और बस थोड़ा सा रिलैक्स करके और हम फिर से जा रहे हैं घूमने के लिए। बस पहले ब्रेकफास्ट करेंगे। हमारी ट्रेन भी आज ही की है रिटर्न की, आई थिंक 6:00 हमारी ट्रेन है, तो बस अभी हमारे पास आई थिंक 9 hours हैं। हम आराम से वहाँ सारे में घूम सकते हैं, जहाँ भी हमारा मन करेगा अभी हम जाएंगे और घूमने के लिए थोड़ा सा उज्जैन और एक्सप्लोर करके देखते हैं कैसा है उज्जैन। सो एज़ यूजुअल मैंने यहाँ अपना फेवरेट डोसा खाया और फिर चल दिए थोड़ा सा और मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। कुछ चीज़ें भी बाय करनी थी सभी को, तो थोड़ा सा तो सोचा क्यों ना सबसे पहले मार्केट ही एक्सप्लोर किया जाए। तो सभी ने अपनी अपनी पसंद की चीज़ें यहाँ से बाय की और फिर चल दिए हैं हम आगे। और रास्ते में ही थोड़ा सा आगे चलकर हमें गणेश जी की सवारी नज़र आई, बट मुझे पास जाने से तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, तो मैंने दूर से ही वीडियो शूट की, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इतने पास से एलिफेंट को देखते हुए। अभी हम सब ब्रेकफास्ट करके थोड़ा सा आउटिंग के लिए निकले, मार्केट वगैरह घूम रहे हैं ऐसे ही, और थोड़ा सा फोटो सेशन भी कर रहे हैं, क्योंकि 3 दिन से बस भागना भागना और भागना ही हो रहा है, तो सोचा थोड़ा सा शॉपिंग कर लेते हैं। उसके बाद शाम को तो हमारी ट्रेन है ही, तो हम लोग रिटर्न हो ही रहे हैं आज, तो देखते हैं अभी हमने क्या क्या ख़रीदा है, क्या क्या शॉपिंग की है, और अभी हम थोड़ा सा फ़ोटो सेशन भी करेंगे अपना। और रास्ते में आगे चलकर हमें एक पेड़ मिला जो
जिस दिन हम आ रहे थे, जिस दिन ट्रेन में थे, उस दिन यहाँ पर उज्जैन में बहुत ज़्यादा आंधी आई थी, जिस वजह से ये पेड़ यहाँ निकल गया था विद रूट। और फिर हम थोड़ा सा घूमते घामते हम आते हैं भारत माता मंदिर, जो कि महाकालेश्वर मंदिर के पास ही है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है वहाँ का। और ये बहुत सुंदर सी लोकेशन थी यहाँ की, तो चलो चलिए आपको मैं पास से दिखाती हूँ मंदिर कैसा है, और मंदिर में अंदर दर्शन भी मैं आपको करवाती हूँ। यहाँ दूर से ही देखने में एक बहुत सुंदर सी चीज़ नज़र आ रही है, आपको भी अगर आ गई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये है हमारे इंडिया का मैप, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है देखने में। और जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनको लोकेशन वाइज इस मैप में अच्छे से शो किया गया है, आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर लग रहा है ये देखने में। और फिर हम मंदिर में गए, और मंदिर बहुत अच्छा बना हुआ है। और यहाँ पर एंटर करते ही सामने से ही हमें भारत माता की बड़ी सी मूर्ति भी नज़र आ गई है, जो कि बहुत सुंदर लग रही है देखने में। तो चलिए दर्शन करते हैं मंदिर में। और बस हमने अपना होटल से सारा सामान पिक किया, सारा लगेज लिया और चल दिए स्टेशन की ओर। Now we are at स्टेशन, बस बहुत घूम लिए, चलते हैं मुरादाबाद। और हम वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन का सभी हम। और ये हमारी ट्रेन की अनाउंसमेंट हो रही है, तो हम सब रेडी हो गए हैं, बस जल्दी से ट्रेन आ जाए और हम ट्रेन में बैठे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं सभी। ओके नाउ अब मिलते हैं सीधे ट्रेन में ही। अभी आपकी ससुराल अलग है और मैं का अलग है। हर हर महादेव। मैं देखो लेटू और तू बीच में नीचे ले, हां देखो नीचे ले, जो जाने के पार्टी जमा दिया जा जान दिया, जो पार्टी जो बड़ी तो 5-10 मिनट ही थी। और फाइनली हमारी ट्रेन चलती है, और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे विंडो सीट मिली है। तो अपनी यात्रा पूरी करके चलते हैं हम अपने शहर, अपने मुरादाबाद।
थोड़ी सी भूख लगी तो फिर सोचा कुछ खा पी लिया जाए। और बस डिनर करने के बाद हम सब सो गए थे और मिलते हैं अब मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नाउ वी आर एट दिल्ली रेलवे स्टेशन एंड नाउ वी आर गोइंग टू आनंद विहार बाय बस। अरे बोतल किसकी रखी, चलिए उतरते हैं फिर स्टेशन पर और चलते हैं अपने मुरादाबाद अपने घर। क्योंकि सुबह हो रही थी और ट्रेन से उतरते ही सबको बस सबसे पहले चाय याद आ रही थी तो फिर सोचा क्यों ना थोड़ी थोड़ी चाय पी ली जाए, ये तो मैंडेटरी है, चाय पीना तो बनता है। और इसके बाद हम डायरेक्ट मिलते हैं बस में। विद्यार्थी अभी हम सब कहाँ जा रहे हैं? हाँ मम्मी, आनंद विहार जा रहे हैं। और उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? मुरादाबाद। और मुरादाबाद से आप कहाँ जाओगी? रामपुर जाओगी। तो आप हमारे साथ ही चल रहे हैं ना, हमारे घर चलोगी? नहीं क्यों, हम लोग फिर मुरादाबाद से निकल जाएंगे। मुरादाबाद से निकल जाओगे, फिर निकल के वहाँ कहाँ से जाओगे? कहाँ? रामपुर जाओगे। अच्छा तो फिर दोबारा आ जाना आप हमसे मिलने के लिए। अच्छा ये ठीक है, नाइस आइडिया है ना, बाय कर दो। ऐसे कैसे करते यार, और यहाँ से हमारे साथ वाले कुछ लोग रामपुर के लिए निकल गए और हमें मुरादाबाद आना था तो हम दूसरी बस से आए। और अब हम आनंद विहार से मुरादाबाद के लिए चल दिए हैं और बहुत जल्दी हम अपने घर अपने मुरादाबाद पहुंचने वाले हैं। और अब बस बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है, बस ये लग रहा है कि जल्दी से घर आ जाए और हम आराम करें, अपने घर आकर सोएं, अपनी नींद पूरी करें जो कि हम 3 दिन से सोए ही नहीं हैं। सो बस पहुँचते हैं जल्दी से घर अपने। और गाइस घर आते ही मुझे बहुत तेज़ वाला फीवर आ गया था तो मैं आगे कोई ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। आई होप आपको मेरा ये उज्जैन ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।